बॉलीवुड के नवाब की पैरवी करने के लिए मैदान में उतर आ गए हैं दबंग। जी हाँ, आखिरकार सलमान खान अपने दोस्त सैफ अली खान के सपोर्ट में आगे आए हैं। सैफ के थप्पड़ इशू के बारे में पहली बार सलमान खुलकर बोले। सलमान ने कहा है कि सैफ ने मारपीट करके इतिहास ही रचा डाला है। दरअसल सैफ अली खान का एक NRI से मारपीट का मामला जब से सुर्खियों में आया है, तब से सैफ को काफी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही है। इस पूरे वाकये में किसकी गलती थी ये बात तो अभी तक साबित नहीं हुई है। इसके बावजूद भी सैफ को ही कल्प्रिट माना जा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा नाराज हुए हैं अपने सलमान भाई। I mean, we are from the press. The press is here, we are here, actors and all that stuff. So we've been here for the longest time. Saif has been in the industry 18 years. Now 18 years you've known the guy, you've known us. You know, it is suddenly that we don't know Saif at all. What Saif is capable of. Have you ever heard that Saif has gone into a fight before? Now when you go into a restaurant, you're not going there to mano matam. You're going there to have dinner and have a few drinks, whatever, that's if they were or they were not, I don't know. And because my family was there as well. Malika, so they saw you. They saw what happened. Everybody was there, yeah. So and then to, you know, because somebody goes and I'm sure he may be right, but then find out what the whole thing is and then after that, you know, come on to TV. That's what, right? So history that the media and the actors, if somebody comes, always the actors to blame. Why is that? सलूमिया का कहना है कि वहाँ क्या हुआ इस बारे में तो वो कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उनकी भाभी मलाइका अरोड़ा खान भी वहाँ मौजूद थी और उनके साथ भी वहाँ पर बदतमीजी हुई, ये बात 100% सच है। सलमान का कहना है कि फिल्म स्टार्स भी आम इंसान ही होते हैं, उन्हें भी अपने दायरे में जीने का पूरा पूरा अधिकार है। ऐसे में सैफ के साथ जो बर्ताव हो रहा है वो सरासर गलत है। एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से आ रहे सैफ अली खान को इतना नेगेटिवली पेश करना सही नहीं है। वेल, जहां इस पूरे मामले में दो दिनों से बॉलीवुड चुप्पी साधे हुए बैठा है, वहीं सलमान ने अपने कमेंट से ये चुप्पी तोड़ दी है।